भारत मिशन को एक कानून नहीं बनाने देंगे। लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन ने बहुत अध्ययन किया हुआ है, उसे संविधान की हर बात की जानकारी है। लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन ने तय किया है कि इस देश को 4 साल तक ऑर्डिनेंस के माध्यम से चलाया जाएगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो है जारी करने की शक्ति हम में विदित होगी। अच्छा और अच्छा ये जो ऑर्डिनेंस है, ये 6 महीने के अंदर यदि पार्लियामेंट पास नहीं करती है तो वो लैप्स कर जाता है, राइट? हाँ सही बात है। तो हम इसे एज ए लिमिटेशन या बुराई के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम इसे अच्छाई के रूप में देख रहे हैं। तो हर 6 महीने के एक्सपीरियंस के आधार पर उसमें जो भी कमियां समझ में आएंगी या जो इम्प्रूवमेंट समझ में आएंगे, उसका अगला वर्षन 6 महीने के बाद दोबारा रिलॉन्च कर दिया जाएगा। बहुत अच्छे। और इस प्रकार से हमें 4 साल में 8 रिफाइनमेंट करने का मौका मिलेगा। तो 4 साल में ये सब ऑर्डिनेंस एकदम पूरी नहीं, तरह से, बात वही की वही रही। देखिए, आपने तो मुझे समझाया, मैं समझ गया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट वर्तमान में आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए हो, वो कैसे आपको अलाउड कर रही है कि आप ये ये सारे काम आप उनके खिलाफ करो। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी जो है लगाम सेवा में रहते हुए इनके हाथों में नहीं दी है। आपको जान के ताज्जुब होगा, एज ए सिटिंग डीजी 2016 में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को एज ए डीजी पत्र लिखा था मैंने, जिसमें जी मैंने जी लिखा था कि जो आपने डिमोनेटाइजेशन किया है, इसमें ये 18 सलाहें हैं, यदि ये इनको आप यदि अपना लेंगे तो आपका डिमोनेटाइजेशन सफल हो जाएगा। जिसमें ये जी कहा था कि आपने जनधन योजना के तहत बहुत सारे लोगों के 90% अकाउंट खोल दिए हैं, 10% अकाउंट खोलने के लिए आप अपने अधिकारियों को घर घर भेजिए, किसी को बैंक आने की जरूरत नहीं है और घर पर ही उसका अकाउंट खोल दीजिए। फिर दूसरी बात उसमें कही गई थी कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो है वो पूरे देशवासियों के लिए प्रिंट कराकर उनके घर पे डिलीवर कर दिया जाए, राइट? और ओके सर। पीओएस मशीन के माध्यम से आपको करेंसी की उतनी जरूरत नहीं होगी। तो जो ये दुष्ट व्यवस्था है वो, उसमें लोगों को जो आज तकलीफ हो रही है, लंबी लंबी लाइन लग रही है, लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, और लोगों ने मजदूरी देके लोगों को लगा कर अपना पैसा एक्सचेंज कराया है, ये शुद्ध राजनीतिक दुष्टता थी। और ये ऐसी साजिश थी जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा के दिमाग की उपज थी। हमारे अच्छा प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत ही सातर दिमाग के घटिया आदमी हैं। आप ये अच्छा बताइए, उन्होंने एक एनोनिमस बॉन्ड लेके आया, हमने आज तक के इतिहास में कोई एनोनिमस बॉन्ड भी हो सकता है, ये सिर्फ जो है कुत्सित दिमाग के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही दिमाग सोच सकता है। अच्छा अच्छा तो ये इससे फायदा किसको हुआ? आप ये बताइए, अदरवाइज हजारों करोड़ों के इंडिविजुअल अनोनिमस बॉन्ड इन्होंने उन्हीं पार्टियों उन उन जो है ना इंडस्ट्री से और उन लोगों से ले लिए और उनको लाभ पहुंचाया। देखिए, ये दुष्टता की पराकाष्ठा है कि इस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए जो है ना, थाउजेंड्स करोड़ रुपए जो है ना, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन से, शासकीय सेवकों से पीएम केयर फंड में लिए हैं, और जब आरटीआई में जवाब मांगा गया तो इसने कहा यह एक निजी फंड है। कितनी बड़ी दुष्टता है कि पीएम केयर फंड, जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर के नाम पर है, वो निजी फंड कैसे हो सकता है? जिसका अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं है और मंत्री जिसके सदस्य हों, वो निजी फंड कैसे हो सकता है? तो जिसमें आप एक टाटा एक जिसमें सुनिए जिसमें सुनिए जिसमें सुनिए, टाटा ग्रुप सवाल ने, सुन लीजिए। जैसे मैंने मुझे पूरी बात तो कह लें दो, हाँ जिसमें टाटा ग्रुप ने 1500 करोड़ रुपए दिए हैं, हर शासकीय सेवक ने अपने एक दिन की सैलरी दी है। अरे मैं समझ गया, बात बहुत लंबी हो जाएगी, सुनिए। तो छोटे छोटे सेशन रखते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं पूरा समझ गया। हजारों लोगों ने हजारों करोड़ दिए, ये मुझे भी पता है। आप छोटा सा सवाल तो ये है, अब ये बताइए, इससे फायदा इसको माननीय नरेंद्र मोदी जी निजी फंड कैसे कह सकते हैं? क्या ये नहीं कह सकते। मैंने ये पेपर राजनीतिक में आया दुष्टता था नहीं कि है क्या ये? मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की हर बातों से मैं खुद नहीं सहमत हूँ। मैं अपनी पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूँ,
जबकि मैं वोट बीजेपी को ही देता हूँ, एक अलग बात हो गई, क्योंकि मेरे पास में और दूसरा चॉइस नहीं है, ठीक है ना। अब होगी तो, ना चॉइस, आप स्वयं चंद्रबाबू को बन सकते हैं और नहीं वो अपने पास में उतना दिमाग नहीं, क्या है मैं नहीं उसका आपके दिमाग की जरूरत नहीं है, मैं अभी रणनीति समझाता हूँ। तो मेरा ये कहना है, पहले मेरा सवाल तो सुन लीजिए, आपके आपकी बातें बहुत अच्छी है, बहुत ज्ञानवर्धक है, लेकिन उसमें समय बहुत जा रहा है। तो अपन मैं ये करता हूँ कि जो मेन मेन मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए मतलब आपकी जवाब से, वो ये है कि आपने बोला कि उन्होंने, और मैंने भी पढ़ा था आरटीआई में ये आया था जवाब, पेपर में आया था, इससे फायदा किसको हो रहा है भाई? प्रधानमंत्री फायदा जो है दुष्ट व्यवस्था को हो रहा है, जिसमें थाउजेंड्स और लाख करोड़ रुपए आ गए हैं, जिसे निजी संपत्ति के बतौर कौन खा रहे हैं, कौन लोग खा रहे हैं बताइए भाई, कौन जिसके, जिसके नियंत्रण में है वो खा रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री के नियंत्रण में है, लिहाजा भाजपा और माननीय प्रधानमंत्री खा रहे हैं। देखिए भाई, प्रधानमंत्री खा रहे, चलो मान लिया आपके, यदि वो नहीं खा रहे हैं तो आम पब्लिक में जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? ये इस क्वेश्चन को साइड में रखते हैं, आपने बोला कि वही लोग खा रहे हैं, अब आपने प्रधानमंत्री के परिवार को देखा है कि वो लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, मूर्ख बनाने वाला काम है। अरे मूर्ख बनाने, हर चीज रिपोर्ट आ गई है, टीवी पे दिखा दिया है, उनके घर परिवार ये स्टैम्प है। देखिए मैं आपको बताऊं, किसी व्यक्ति ने मुझसे तीन प्रश्न किए, मैं आपसे उन प्रश्न के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि वो मुझसे किए नहीं जाना चाहिए थे लेकिन कर दिए गए हैं, तो मैं आपसे शेयर करता हूं। पहला प्रश्न जो है, किसी मिशन के अध्यक्ष ने मुझसे किया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस टाउन के रहने वाले हैं, उस टाउन में कोई ट्रेन नहीं रुकती थी आज के दिन, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन ही नहीं था कोई भी। अरे मेरी बात सुन तो लीजिए, नहीं कोई लंबी नहीं, बहुत सी बातें जानता हूँ, आप जो बात बता रहे हैं ना बहुत अच्छी, ये जनता को मालूम पड़ना चाहिए कि ये व्यक्ति देवता नहीं है, ये व्यक्ति दुष्ट है। मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं खुद आपके साथ में हूँ, मैं भी इनकी हर बातों से या उनके हर गुणों से सहमत नहीं हूँ। आप ये बताइए, आप हिंदू अंधभक्त नहीं हूँ। एक मिनट, मैं आपको कह रहा हूँ, ये अपने आप को हिंदुओं का मसीहा कहते हैं। अरे भाई मैं नहीं मानता हूँ ना, मैं तो पहले ही आपको बोल दिया, मैं अंध भक्त नहीं हूँ ना मैं मोदी भक्त हूँ। मैं कोई, सुन लीजिए, मैं आपको बहुत, आप जिस, आपकी जो थिंकिंग है ना, लगभग 99% मैं भी आपकी तरह ही सोचता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं और इतने बड़े पौधे पर रह चुके हैं, तो आपको सिस्टम के बारे में बहुत सी चीजें मालूम है, तो मैं अपने डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ कि इससे नरेंद्र मोदी को क्या फायदा है, जो बंदा 22 साल से पहले, एक मिनट, ये जवाब जो है, आप तीन चीजों को सुनेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। नहीं आपके जवाब नहीं, मेरे जवाब दे दीजिए, मैं आपकी बातें बहुत लंबी हो जाती है, सुनिए तो सही, सुन लीजिए गुप्ता जी, आपके काम में आएगा। देखिए मैं बड़ी सिंपल सी बात ये कह रहा हूँ कि उपयोग चाहे कोई भी करे, वो उपयोग कौन कर रहा है, उनके परिवार का 22 साल से भिखारी की तरह जिंदगी आ रही है। आप इसका जवाब दे दीजिए, वो मत है।